पालक हमारे लिए कितना लाभदायक है ये तो आप सभी को पता है, पर आजकल के बच्चे पालक की सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते। अगर आप पालक इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे और बड़े तो उंगलियां चाटेंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं आलू पालक की सब्जी। मैंने लिया है एक कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने दो छोटा टोपिया पानी डाल दिया है। इसमें हम डाल देंगे पालक और मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट बॉईल करके छान देंगे। सब्जी के लिए मैंने लिया है थोड़ा धनिया पत्ती, 2 कच्ची हरी मिर्च, 4 कली लहसुन, 1 टुकड़ा अदरक, 1 मीडियम साइज़ टमाटर, 1 मीडियम साइज़ प्याज और 1 मीडियम साइज़ आलू। आलू मैंने कच्चा लिया है, आप चाहें तो उबले हुए आलू को भी ले सकते हैं। अब हम लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच तेल, फिर डालेंगे सरसों, जीरा, तेजपत्ता और प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को बारीक काट के 1 मिनट तक भूंजेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। फिर हम इसमें डालेंगे मसाला। मसाला में मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच नमक। अब हम मसाले को चला लेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटर को भी बारीक काट लिया है। अब हम डालेंगे इसमें आलू, आलू को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब आलू को हम अच्छे से मिला देंगे इसमें और हम डालेंगे इसमें 1/4 कप पानी। पानी डालने से हमारे आलू को पकने में मदद मिलेगी। अब हम इसे ढक के रख देंगे। अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम लेंगे एक मिक्सी जार, मिक्सी जार में डाल देंगे पालक और इसे हम पीस लेंगे। मैंने इसे बिल्कुल दरदरा पीसा है, इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। दरदरा पीसने से इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आता है सब्जी में, ठीक है। अब हम 5 मिनट हो चुके हैं, कढ़ाई का ढक्कन खोल के एक बार सब्जी को चला देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्जी में। अब हम इसे ढक के छोड़ देंगे। टोटल 10 मिनट हो चुके हैं। हम सब्जी को खोल के एक बार चेक कर लेंगे कि आलू कितना पका है। मैं चम्मच से काट के देख रही हूँ, आलू कट रहा है बिल्कुल अच्छे से नहीं, मीन्स 80% करीब सब्जी हमारी पकी है। अब मैं इसमें पालक का पेस्ट डाल दूँगी, फिर मैं इसे उसी जार में 1/2 कप पानी लेके मिला के डाल दूँगी। अब हम इसे ढक के फिर से 5 मिनट के लिए पका देंगे मीडियम फ्लेम पे। फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ढक्कन खोल के इसमें डालूंगी 1/2 कप दूध। दूध डालने के बाद मैं इसमें मिला दूंगी 1/2 चम्मच चीनी। फ्रेंड्स चीनी डालने से आपकी सब्जी बिल्कुल भी मीठी नहीं होगी, इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे खुले में मीडियम आँच में पकाएंगे। बीच में मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच घी। घी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। 5 मिनट हो चुके हैं, सब्जी पक गई है। अब इसमें थोड़ा धनिया पत्ती डाल दूंगी और गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब सब्जी को मैंने डाला है एक बाउल में, हमारी सब्जी बनके तैयार है। मैंने इसे प्याज से गार्निश किया है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।